जसप्रीत बुमराह एक ऐसा खिलाड़ी जिसका इंतजार टीम इंडिया को तो बेसब्री से है ही, लेकिन अब तो उनका इंतजार मुंबई इंडियंस को भी होगा और मुझे लग रहा है कि ये इंतजार अब लंबा होने वाला है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि अपने स्ट्रेस फ्रैक्चर की इंजरी के चलते जसप्रीत बुमराह इस साल का आईपीएल भी ना खेले और साथ ही साथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है जिसमें इंडिया की पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसमें भी वो अपनी दावेदारी ना दिखा पाए, वो ना खेल पाए। लेकिन ये स्ट्रेस फ्रैक्चर आखिर है क्या, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, साथ ही साथ इससे रिकवर करने के लिए कितना समय लगता है और क्या खिलाड़ी जब इससे रिकवर करके आता है तो क्या वो पहले जैसा रह पाता है या नहीं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कि जसप्रीत बुमराह को ये स्ट्रेस फ्रैक्चर की जो इंजरी है वो आनी शुरू कब हुई, पहली बार जो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर था ये साल 2021 में उनके सामने आया और ये आया क्यों शुभम, उनके एक्शन की वजह से। बिल्कुल, एक्शन में बदलाव थोड़े से हुए और उसके बाद लगातार क्रिकेट खेलना। आप एक बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, इसके अलावा ODI भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी आप लगातार खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको 4 दिन गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड मैनेज नहीं किया अपना और लगातार IPL खेले पूरी तरह से, जिस वजह से वर्कलोड स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ। स्ट्रेस फ्रैक्चर तभी होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर जब लगातार किसी हड्डी पर जोर पड़ता है तब जाकर ये होता है। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह ने अपने वर्कलोड मैनेजमेंट में खिलवाड़ किया जिसकी वजह से ये हुआ। जब से जसप्रीत बुमराह ने डेब्यू किया है साल 2016 से, जब से डेब्यू किया उन्होंने, वो लगातार सारे फॉर्मेट खेलते गए और जो बात कही गई थी उनके लिए, कई दिग्गजों ने कही थी कि जो इनका एक्शन है वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, अनयूजुअल है, अगर आप इन पर ज्यादा लोड डालेंगे और इनको सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वही चीज हम देख रहे हैं। आप देखिए साल 2022 में जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी सिर्फ 15 मुकाबले खेलता है और ये वो साल था जिसमें आपने एशिया कप खेला, आपने T20 वर्ल्ड कप खेला, 15 मुकाबलों में हालांकि 39 विकेट लिए, IPL के भी मुकाबले खेले, लेकिन अगर मैं भारत के लिए बात करूं उन्होंने 15 मुकाबले खेले, 39 विकेट वहां पर लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 जुलाई को उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, 14 जुलाई को आखिरी ODI खेला था और 25 सितंबर 2022 को वो आखिरी बार T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखे थे। उसके बाद से लगातार वो मैदान से बाहर चल रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया जो उनका एक्शन है उसकी वजह से जो उनकी कमर पर लोड पड़ता है वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर उनके स्ट्रेस फ्रैक्चर का। लेकिन अगर बात की जाए कि कितने दिनों में रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा फिलहाल शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये सामने आया कि जसप्रीत बुमराह जून के एंड तक या कह सकते हैं मिडिल जून पे फिट हो गए, NCA उन्हें क्लियरेंस दे सकती है, लेकिन ये भी अभी उस कयास ही लगाए जा रहे हैं। पहले भी ऐसी रिपोर्टें आ चुकी थी जिनमें बताया जा रहा था कि दूसरे टेस्ट मैच तीसरे टेस्ट मैच तक फिट हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तो खबरें आ रही कि IPL भी छूटेगा, इसके साथ ही WTC का फाइनल भी छूटने वाला है। एक बड़ा सवाल अब उठता है कि क्या मुंबई इंडियंस जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट ढूंढेगी या फिर वही टीम के साथ आगे कंटिन्यू करेगी IPL 2023 में। ये बड़ा झटका है मुंबई इंडियंस के लिए क्योंकि उनकी पूरी निगाहें थी कि जोफ्रा आर्चर वापसी करेंगे, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह होंगे और ये डुओ काफी लीथल हो सकता था, लेकिन अब अगर जसप्रीत बुमराह IPL खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे तो ये मुंबई इंडियंस के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है और देखना होगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स की तरह ही ये लोग भी किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं या नहीं। लेकिन जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं क्योंकि उनकी जो इंजरी है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आप देखिए T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, उसके बाद आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिस कर दी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज भी वो नहीं खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया चाहेगी कि वनडे वर्ल्ड कप से पहले जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हो जाए, हालांकि उन्हें काफी लंबा समय लग सकता है फिट होने में। बिल्कुल, जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने बातें बताई कि कितने जरूरी है टीम इंडिया के लिए, रोहित शर्मा ने हाल में ही जसप्रीत बुमराह पर बड़ा बयान दिया था जिसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुमराह कितने जरूरी है टीम इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर बुमराह को एक भी निगल या थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस होती है तो पूरा मैनेजमेंट और BCCI प्रशासन उसे ठीक करने में लग जाता है। तो देखते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 से पहले बुमराह फिट हो पाते हैं या नहीं।